ओम शांति। आज हम बाबा के दिल तख्त नशीन सो भविष्य विश्व तख्त नशीन बनने के लिए विशेष योग अभ्यास करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है ये हम सब जानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। लेकिन यह भी सत्य है कि ड्रामा बना बनाया है, और भविष्य में हम क्या बनेंगे, क्या पद पाएंगे, यह सब ड्रामा में पहले से नोंद है। लेकिन पुरुषार्थ किए बिना तो पानी भी नहीं मिलता, ये बात भी हमें सदा याद रखनी चाहिए। इसलिए बाबा ने भी पुरुषार्थ को प्रारब्ध से आगे रखा है। ईश्वरीय महावाक्यों में कहा गया है, यह ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, इसमें किसी भी आत्मा के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, इसमें जितना और उतना का हिसाब चलता है, अर्थात जो पुरुषार्थ करेगा वो फल पाएगा और जितना करेगा उतना पाएगा, तो भविष्य श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार वर्तमान समय का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, इसलिए पूरा श्रीमत पर चलना, अपनी नहीं चलानी, बाप की राय पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। नहीं तो मुफ्त में अपने को ही घाटा डालेंगे। तो आज अपने आप से प्रश्न पूछें, हम कहीं घाटा तो नहीं डाल रहे? हर कदम हम श्रीमद् प्रमाण ही चल रहे हैं ना? हम ब्राह्मण आत्माएं अगर ज्ञान योग व धारणाओं में मजबूत होंगे, उसमें हमारा ही हित है, कल्याण है, क्योंकि धारणा मूर्त आत्माओं के चेहरे और चलन द्वारा स्वतः ही सेवा होती है, उनका भाग्य जमा होता जाता है, और फिर भविष्य में निश्चित ही है कि वह आत्माएं श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। और भले ड्रामा में हमारा कोई भी पद निश्चित हो, लेकिन हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि कम से कम 108 की माला का दाना बने, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण स्वतः ही आते जाते हैं। अगर हम पुरुषार्थ करते रहें तो आज हम 200 मान लेंगे। पहला, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, और दूसरा, मैं भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा हूं। यह सदा याद रहे कि भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए हमें विश्व महाराजन बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, बल्कि इस ब्राह्मण जन्म में बाबा का दिल तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो विचार करो, बाबा का दिल तख्त नशीन बनने के लिए
हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? बाबा को कौन सी आत्माएं हैं प्रिय? मुरलियों में बाबा अक्सर कहते हैं, मुझे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। अब स्वयं से पूछें, क्या मैं बाबा की दिल पसंद आत्मा हूं? क्या मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूं? मीठे बाबा जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं, जैसा मुझे बनाना चाहते हैं, क्या मैं ऐसा बना हूं?
आज की साकार मुरली में मीठे बाबा ने उच्च पद पाने वाले बच्चों की कुछ निशानियां सुनाई हैं। तो आइए अपने आप को देखें, हम कितना खरा उतरते हैं इन बातों पर। बाबा ने सबसे पहली विशेषता, जो बच्चे उच्च पद पाने वाले हैं उनके लिए बताई कि वह बच्चे सदा श्रीमत पर पूर्ण रीति चलते रहेंगे। एक एक पॉइंट्स को अपने साथ मिलाते रहना, चेक करते रहना, क्या इस धारणा में मैं मजबूत हूं। दूसरा बाबा ने कहा, वह बच्चे अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अर्थात आगे जंप करेंगे। वह कभी हट नहीं करेंगे, मनमत नहीं चलाएंगे, सदा श्रीमत पर चलेंगे। वह अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनकर चलेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, वह कभी भी कोई भी तुच्छ कार्य नहीं करेंगे। तो ये है उच्च पद पाने वाली आत्माओं की क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। अब कुछ पल के लिए अपने अंतःकरण में झांक कर देखें और स्वयं से पूछें, क्या ये सभी विशेषताएं मुझ आत्मा के अंदर हैं? क्या मैं सदा श्रीमत पर ही चलता हूं? कभी भी मन मत या पर मत के प्रभाव में तो नहीं आ जाता? पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देता हूं, बाबा की सर्विस पर सदा तत्पर रहता हूं, खुद ही पूछें, बाबा का ऐसा लायक बच्चा बन गया हूं, सपूत बच्चा बन गया हूं।
एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा। अभी अपने भविष्य स्वरूप के साथ, अपनी एम ऑब्जेक्ट के साथ, अपने वर्तमान स्वरूप की, अपनी स्थिति की कंपैरिजन करेंगे। सतयुगी राजकुमार श्री कृष्ण से अपनी तुलना करके देखें, कितनी समानता आ गई है मेरे अंदर। क्या हम श्री कृष्ण जैसी पवित्र आत्मा बने हैं? क्या वैसा ही हर्षित मुख चेहरा सदा हमारा खिला रहता है?
श्री लक्ष्मी नारायण के जैसा तेज चेहरे पर आ गया, उनके जैसे दिव्य बुद्धि बन गए। हमारे कर्मों में, हमारे बोल में वह दिव्यता क्या नजर आती है? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, वैसे ही कर्म और वैसा ही स्वरूप। बड़े भाग्यवान हैं हम जो ऐसा देवी देवता बनाने वाला स्वयं भगवान, देवों के देव महादेव शिव बाबा हमें ऐसी अविनाशी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। साक्षात में ऐसे देवी देवता बना रहे हैं। आज तक पुजारी बनकर जिनकी पूजा करते रहे, वैसा ही चैतन्य पूज्य हमें फिर से बना रहे हैं। कितनी खुशी होती है इस बात की स्मृति से कि हम फिर से ऐसा देवी देवता बन रहे हैं। हम ही थे और फिर से हम ही बन रहे हैं। जिसका शिक्षक त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हो, जिसका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान हो, उसकी सफलता 100% निश्चित है। हमें संपूर्ण निश्चय है कि हम ही भविष्य में श्रेष्ठ पद के अधिकारी जरूर बनेंगे। सिर्फ एक अटेंशन रखना है, बस श्रीमत पर चलना है, ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना है। धारणा मूर्त बन श्रेष्ठ ब्राह्मण बनने का प्यारे बाबा के दिल तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर भविष्य राज्य तख्त नशीन तो स्वतः ही बन जाएंगे। इस बात का कितना नशा चढ़ना चाहिए कि इस समय मुझे भगवान के साथ पार्ट बजाने का अवसर मिला। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, कितनी विशेष कोटों में कोई आत्मा हूं। जो ईश्वरीय कार्य में मैं सहयोगी बना, करण करावन हार शिव बाबा सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। मुझे आगे रखकर मेरा भाग्य बना रहे हैं।
बाबा का दिल तक नशीन बनने के लिए अब मुझे उनके समान बनना है। मेरा बाबा इस सृष्टि पर सबके दुख दूर करने आया है, सबको सुख देने, पूरे विश्व का कल्याण करने आया है। तो मुझे चेक करना है कि मैं आत्मा अपने मन, वचन और कर्म द्वारा उसके इस कार्य में कितना सहयोगी बना हूं, कितनों को सुख पहुंचाता हूं। मेरी किसी भी एक्टिविटी से कोई को दुख तो नहीं होता? इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी मेरे कारण हताश व निराश ना हो। मेरे एक एक बोल से, कर्म से सबको उमंग आए, सबका उत्साह बढ़े, यही मेरा लक्ष्य हो। सबको ईश्वरीय पैगाम दूं, जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचा दूं। यही मेरा लक्ष्य हो। सारा संसार कहे मेरा बाबा आ गया, मुझे सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, क्योंकि मैं सुख के सागर की संतान हूं। दुख हरता, सुख करता बाप का बच्चा हूं। मुझे यह भी ध्यान रखना है कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी वैसा कर्म करने लगेंगे। मेरा हर कर्म सभी आत्माओं को श्रेष्ठ शिक्षा दे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहे
दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। तो आओ कुछ पल के लिए विश्व की आत्माओं को सकाश दें, साथ साथ पांचों तत्वों को भी बाबा की शक्तिशाली किरणें दें, उनको भी पावन बनाएं, पांचों तत्व सतो प्रधान बन जाएं। तो आओ आज से प्रकृति को पावन बनाने में मदद करें, ताकि ये फिर हमारी मदद करे। तो सबसे पहले विजन बनाएं कि परम धाम से बाबा की पवित्र किरणें पूरे आकाश को पवित्र करती हुई नीचे आ रही हैं, और सूर्य चंद्रमा व सितारों सहित सभी ग्रह उपग्रह और नक्षत्र आदि सतोप्रधान बनते जा रहे हैं। इसके बाद बाबा की वो शक्तिशाली किरणें आकाश से होती हुई नीचे इस पृथ्वी पर पड़ रही हैं, पृथ्वी को भी पावन सतोप्रधान बना रही हैं।
ऐसा फील करें कि हम सूक्ष्म रूप में ग्लोब के ऊपर बैठे हुए हैं और बाबा की किरणें हमसे होते हुए पृथ्वी के अंदर समा रही हैं, इसे पवित्र बना रही हैं। अभी जल के ऊपर बाबा की किरणें डालें और ऐसा विचार करें, पानी के अंदर का जो क्रोध सुनामी का रूप ले लेता है, वह भी जैसे अब शांत हो रहा है, शांत, बिल्कुल शांत। फिर अग्नि का रूप सामने लाएं, ये महसूस करें कि बाबा की किरणों से अग्नि भी पवित्र बनती जा रही है, सुखदाई बन गई है। और अभी पांचवा तत्व वायु, बाबा की किरणों से यह पवन भी पावन बन रही है, सतोप्रदान बन रही है।
शुभ कामना है। रखें स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो बदल दे वातावरण को, करें मन सा सेवा। इस तरह रोजाना हम जितना समय मिले उस अनुसार कम से कम एक बार प्रकृति को सकाश जरूर दें।